सनातन पंचांग के सबसे पावन कार्तिक माह में धार्मिक नगरी पुष्कर में भूमिया परिवार की ओर से आयोजित श्री भद्र भागवत कथा का शनिवार को शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया। मुख्य यजमान गोपाल भूमिया और राम अवतार भूमिया ने बताया कि आयोजन उनके पिता स्वर्गीय मदनलाल भूमिया और माता कमला देवी भूमिया की स्मृति में किया जा रहा है। लाला इंटरनेशनल के CMD कांति कुमार उर्फ भूमिया ने बताया कि पुष्कर सरोवर पर भागवत जी की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। भागवत जी की राम धाम तिराहे पर सैकड़ों महिला पुरुषों ने अगवानी की। यहां से गाजो बाजों के साथ कथावाचक बाल सुख आशुतोष शास्त्री के सानिध्य में सैकड़ों महिलाएं सर पर मंगल कलश लिए लाल चुनरी पहने मंगल गीत गाते हुए आगे बढ़ रही थी, तो पुरुष भी भगवान का स्मरण करते हुए नाचते गाते शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा रामधाम के सामने स्थित कथा स्थल भूमिया परिवार के नव निर्मित आवास कृष्ण निवास पर पहुंची। व्यासपीठ पर बैठकर कथा की शुरुआत करते हुए कथावाचक बालसुख आशुतोष शास्त्री जी महाराज ने सबसे पहले हनुमान चालीसा से पवनसुत का अभिनंदन किया। बाद में श्री कृष्ण के संगीतमय भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। 16 नवंबर को ब्रह्मबोध के साथ कथा का समापन होगा। ये जय श्री कृष्णा आयोजन हमारे भूमिया परिवार लाला जी आप सभी लोग जानते ही हैं पुष्करवासी। तो पहले तो सभी पुष्करवासियों का जो ये भागवत का आयोजन भूमिया परिवार की ओर से कराया जा रहा है उसमें सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और ये अपनी भागवत की कथा जो पुष्कर में 11वीं भागवत की कथा है और कितना सुंदर अवसर कार्तिक मास के शुभ अवसर पर पुष्कर में भूमिया परिवार की तरफ से भागवत का आयोजन 10 से 16 जो हो रहा है और इतना आनंद आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि पुष्करवासी इतना प्रेम इतना स्नेह कर रहे हैं आज भव्य कलश यात्रा के साथ में। भागवत कथा क्या महत्व है? कार्तिक महीने में भागवत कथा का बहुत ज्यादा ही महत्व। भागवत तो वैसे कभी भी सुने तो उसका ज्यादा ही महत्व होता है लेकिन कार्तिक विशेष है क्योंकि भगवान का एक महीना पूरा होता है तो ये विशेष है। इसमें सुनने से 1000 गुना फल आपको ज्यादा प्राप्त होता है। प्लस आप तीर्थ में अगर सुनते हो वो भी पुष्कर जैसे तीर्थ में अगर हम सुनते हैं तो उसका लाख गुना फल हमको प्राप्त होता है। और अगर हम 7 दिन तक नियम से भागवत की कथा कार्तिक मास में सुनते हैं तो हम बड़ भागी हैं। इससे बढ़कर सौभाग्य हमारे जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है कार्तिक मास के अंदर और जो आशुतोष जी महाराज है बाल शुक्ल जी नैमिषारण्य से पधारे हैं और यहाँ कथा का रसपान कराएंगे। 10 तारीख से 16 तारीख तक भगवत कथा चलेगी। आज क्या क्या आयोजन हुए? आज भगवत कथा प्रारंभ हो रही है। 13 तारीख को कृष्ण जन्म और 16 तारीख को रुक्मिणी विवाह और 16 तारीख आज क्या आयोजन हुए? आज अभी शुरुआत हो रही है कथा प्रारंभ होगी। आज सुखदेव जी कथा सुनेंगे। आज बैठेंगे व्यासपीठ पर महाराज। जो शोभा यात्रा निकली हुई थी उसने क्या रहा? बस आज रामधाम से तिराहे से शोभा यात्रा निकली और हमारे नवग्रह तक आई है। भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है कार्तिक मास के अंदर और जो आशुतोष जी महाराज है बाल शुक्ल जी नैमिषारण्य से पधारे हैं और यहाँ कथा का रसपान कराएंगे। 10 तारीख से 16 तारीख तक भगवत कथा चलेगी। आज क्या क्या आयोजन हुए? आज भगवत कथा प्रारंभ हो रही है। 13 तारीख को कृष्ण जन्म और 16 तारीख को रुक्मिणी विवाह और 16 तारीख आज क्या आयोजन हुए? आज अभी शुरुआत हो रही है कथा प्रारंभ होगी। आज सुखदेव जी कथा सुनेंगे। आज बैठेंगे व्यासपीठ पर महाराज। जो शोभा यात्रा निकली हुई थी उसने क्या रहा? बस आज रामधाम से तिराहे से शोभा यात्रा निकली और हमारे नवग्रह तक आई है।
स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।